अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स ऑफ प्लांट वायरस इन्फेक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट वायरसेस होते क्या हैं। तो ये वो वायरसेस हैं जिनका मेन टारगेट प्लांट्स होते हैं। अमूमन इनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पे मुश्तमिल होता है और ये बाकी वायरसेस की तरह ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स ही होते हैं, यानी अपने होस्ट पे कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं अपनी रेप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन के लिए, क्योंकि इनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। यही वजह है कि आउटसाइड द सेल नॉन लिविंग कहलाते हैं और जो है रेप्लिकेट नहीं कर पाते, अपने ओन पे डिपेंड करते हैं कम्प्लीटली इस पर्पज़ के लिए होस्ट पे, और वहीं से फूड और तमाम चीज़ें यूटिलाइज़ करते हैं। इसलिए इन्हें पैरासाइट्स कहा जाता है। उनके बगैर इनका गुजारा नहीं, इसलिए ऑब्लिगेट की टर्म भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जब प्लांट्स इन वायरसेस से इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनमें किस तरह के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। तो दो मेजर सिम्टम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हें दो मेजर कैटेगरीज में जो डिवाइड किया गया है उसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सिम्टम्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल जो हमें आउटरली नज़र आ जाएंगे, इंटरनल जो हम माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से अंदर देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं उस प्लांट में जो कि वायरस से इन्फेक्ट हुआ है। अब जो एक्सटर्नल सिम्टम्स हैं उन्हें फर्दर डिवाइड किया जाता है दो टाइप्स में, प्राइमरी सिम्टम्स और सिस्टमैटिक सिम्टम्स। जो हमारे पास प्राइमरी सिम्टम्स हैं वो इनिशियल सिम्टम्स भी कहलाते हैं, क्योंकि हम इसमें ये देखते हैं कि जिस जगह से प्लांट इंजेक्ट हुआ है वायरस से, यानी जहाँ से वायरस ने एंट्रेंस हासिल की है प्लांट के अंदर, तो उस एरिया पे, उस स्पेसिफिक पॉइंट पे जो उसने लेयंस कॉज किए हैं, ठीक है, कोई पैचेस या एरर्स कॉज किए हैं, जहाँ से क्या हुआ है कि जो वेनल सिस्टम था, जो छोटी छोटी इंटरवेंस होती हैं लीफ की सरफेस वगैरह पे, तो वो ना क्लियर होना शुरू हो गई। ये बात जो है, ये जो सिम्टम है, इस बात की इंडिकेशन होगा कि यहाँ से वायरस एंटर हुआ है। इसके साथ साथ हमारे पास क्लोरोसिस भी अपीयर हो सकती है उस पॉइंट पर। तो इस तरह के जो इनोक्यूलेशन पे जो सिम्टम्स इनिशियली अपेयर होते हैं उन्हें प्राइमरी सिम्टम्स कहा जाता है। यंग लीव्स पे ये यूजुअली हमें ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलते हैं। देन हमारे पास सिस्टमैटिक सिम्टम्स आ जाते हैं। सिस्टमैटिक सिम्टम्स वो सिम्टम्स होते हैं जो कि मोस्ट प्लांट को या होल प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जिन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोसिस है। तो क्लोरोसिस में हमारे पास क्या होता है कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट है उसकी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, जिसके नतीजे में कुछ एरियाज़ जो हैं वो तो ग्रीन रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर उसकी अमाउंट ठीक होती है पिगमेंट की, लेकिन कुछ एरियाज जो हैं बहुत ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, लाइट येलो कलर में आ जाते हैं। तो ये जो अनइवन इरेगुलर जो मैनर में क्लोरोफिल की डिस्ट्रीब्यूशन है, इसे हम मोज़ेक पैटर्न इसी मुनासिबत से कहते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, शुगर केन मोज़ेक वायरस और कुकरबिटा मोज़ेक वायरस में इस तरह के इन प्लांट्स में, रिस्पेक्टिव प्लांट्स में इस तरह के मोज़ेक्स देखने को मिलते हैं आफ्टर द अटैक ऑफ वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है येलोज़। तो येलोज़ हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल लीव्स होते हैं अमूमन पैरेलल विनेशन वाले, उनमें एज अ होल यूनिफॉर्म जो येलोइंग होती है या क्लोरोसिस होती है उससे हम कहते हैं, ठीक है, ये सिम्टम राइस येलोज़ में, राइस लीव्स में ये सिम्टम्स देखने को मिलता है जिसे हम राइस येलोज़ कहते हैं। नेक्रोसिस जो है वो डेथ ऑफ सेल्स कहलाती है, जिसमें पहले सेल्स कोलैप्स होते हैं, देन उनकी ब्राउनिंग होती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। और ये जो है ये लोकलाइज्ड ब्रेकडाउन भी होती है सेल्स की, जिसे हम लोकल नेक्रोसिस कहते हैं। इसके अलावा नेक्रोसिस जो है सिस्टमैटिक में फर्दर अप्रोच करती है पैरेन्काइमा और वेन्स ऑफ द लीव्स को, और वहाँ पे जब एक लॉन्गिट्यूडनल मैनर में डैमेज ऑफ सेल्स कॉज होता है तो स्ट्रीक्स सी बनती हैं, ठीक है, लाइन सी बनती हैं जो कि डैमेज्ड होती हैं। और इसके अलावा हमारे पास नेक्रोसिस की वजह से जो न्यूली फॉर्मिंग बर्ड्स हैं वो भी डैमेज होते हैं और जो ब्रांचेस की टॉप्स हैं वो भी डैमेज होती हैं। तो उस मुनासिबत से हम इन्हें बर्ड नेक्रोसिस या टॉप नेक्रोसिस भी कहते हैं। टोबैको में नेक्रोसिस और टोमेटो में स्ट्रीक के जो सिम्टम्स हैं वो हमें कॉमनली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिंग स्पॉटिंग आ जाता है। तो इन्फेक्टेड लीव्स पे जो हमारे पास सिम्टम्स अपीयर करते हैं नेक्रोसिस और क्लोरोसिस वगैरह, ये जब हमारे पास रिंग मैनर में फॉर्म होते हैं तो उस हिसाब से हम इन्हें क्लोरोटिक रिंग स्पॉट या फिर नेक्रोटिक रिंग स्पॉट का नाम देते हैं। ठीक है, कि एक जगह क्लोरोसिस शो हो रही है, दिन नहीं हो रही, दिन शो हो रही है, और ये सारा जो पैटर्न है वो रिंग मैनर में, तो उस हिसाब से इन्हें रिंग स्पॉटिंग कह दिया जाता है। टोबैको रिंग स्पॉट डिजीज़ जो है वो इस सिम्टम की एग्जाम्पल है। देन हमारे पास डिस्टॉर्शन आ जाती है। तो डिस्टॉर्शन में हम क्या कहते हैं कि लीफ की जिस तरह की अरेंजमेंट होनी चाहिए थी, जो उसकी सिमेट्री नॉर्मल थी, उसमें ऑल्टरेशन आ जाती है। ठीक है, और ऑल्टरेशन इस तरह से आती है कि कुछ लीव्स अपने नॉर्मल साइज में नहीं रह पाती, क्रिंकलिंग या उनकी रोलिंग स्टार्ट हो जाती है, या फिर जिस पॉइंट से वो निकल रहे होते हैं इंटरनोड से, वो रिड्यूस्ड फॉर्म में निकलते हैं। तो इस तरह से इसके नतीजे में लीव्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप भी कर जाते हैं। ठीक है, जो रोलिंग की एग्जाम्पल है उसमें लीफ कर्ल ऑफ पपाया, लीफ कर्ल ऑफ टोमेटो वगैरह आ जाते हैं। और इसके अलावा इंटरनोड्स जहाँ पर रिड्यूस्ड होते हैं ना, वहाँ पे जो शूट्स निकलती हैं वो भी किस तरह की होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुई हुई होती हैं सारी बात। अब जो लीव्स निकलेंगे वो भी कैसे होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही फॉल कर रहे होंगे, तो एक विचेस ब्रूम वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जैसे झाड़ू लाइक। ठीक है, उसके तिनके फैले हुए और ऊपर नीचे एक दूसरे के।
नेक्स्ट हमारे पास सिम्टम आ जाता है स्टंटिंग. तो स्टंटिंग हम जानते हैं रिड्यूस्ड ग्रोथ को बोलते हैं, ठीक है. तो इसमें जो अपेरेंटली हमें क्या नज़र आता है कि लीव्स का, फ्रूट्स का, पेटियोल्स का, इंटरनोड्स का साइज जो है कंपेरेटिवली शॉर्टर है. बीन येलो मोज़ेक, बंची टॉप ऑफ बनाना एग्जाम्पल्स आ जाती हैं सिम्टम की. देन हमारे पास ब्रेकिंग एंड ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम्स, ये कैसा सिम्टम है कि जो फ्लावर होता है उसका एक नेचुरल कलर होता है वो वायरल इन्फेक्शन के बाद इंटरप्ट हो जाता है, यानी फुल ब्लॉसम का फ्लावर का एक कलर नहीं होता बल्कि वो बीच में से ब्रेक हुआ हुआ होता है. तो ट्यूलिप जैसे प्लांट्स को ऑर्नामेंटल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है. इस इन्फेक्शन से उनकी एस्थेटिक ब्यूटी में तो इजाफा हो जाता है, लेकिन वो प्लांट्स को फूड पर्पजेज़ के लिए यूज़ किया जाता है तो उनमें हमें लॉसेस भी देखने को मिलते हैं और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट भी ज़रूरी है. या और इसके अलावा जो हमने ग्रीनिंग ऑफ ब्लॉसम्स की बात की, तो कुछ प्लांट्स में पेटल्स जो हैं वो सेपल्स का कलर ले लेती हैं, यानी ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती हैं. इस फिनोमेना को वायरिसेंस कहा जाता है. ये भी एक अपेरेंट फिनोमेना एक्सटर्नली नज़र आता है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल सिम्टम्स में डिस्कस कर रहे हैं. नेक्स्ट हमारे पास हेयर लाइक आउट ग्रोथ अपीयर करते हैं लीव्स या स्टेम्स की सर्फेसिस पे, और इन आउट ग्रोथ्स को इनेशंस कहा जाता है. डॉली कोसिनेशन मोज़ेक जो है वो इसकी एग्जाम्पल में आ जाती हैं. देन हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ आउट ग्रोथ्स, अब हम इन जनरल सिर्फ इनेशंस की बात नहीं कर रहे बल्कि जो ट्यूमर्स, स्वेलिंग्स या हिल अपीयर करती हैं, ठीक है, उभार आ जाते हैं प्लांट्स की सरफेस के ऊपर, जैसे कि शुगर केन में फिजी डिजीज़ हो जाती है वायरल इन्फेक्शन के बाद, और टोबैको लीफ कर्ल डिजीज़. तो इनके नतीजे में क्या होता है, स्वेलिंग से ट्यूमर्स फॉर्म होते हैं प्लांट के अंदर, तो ये भी एक सिम्टम है एक्सटर्नल. देन रूट सिम्टम्स में हम क्या डिस्कस करते हैं कि लेटरल रूट्स हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाती हैं. उसके अलावा रूट स्पेसिफिकली जो गॉल्स या ट्यूमर्स अपीयर करते हैं तो वो रूट सिम्टम्स की कैटेगरी में आ जाता है. वाउंड ट्यूमर डिजीज ऑफ पी इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है. नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल सिम्टम्स ऑफ वायरस इन्फेक्शन आ जाते हैं, जो कि दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जाते हैं, हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल. हिस्टोलॉजिकल और साइटोलॉजिकल दोनों को ही हम माइक्रोस्कोप के अंडर, अब सारी बात हम इंटरनल सिम्टम्स देखना चाह रहे हैं, स्टडी करेंगे. हिस्टोलॉजिकल में स्पेसिफिकली हमारा फोकस टिश्यूज की तरफ होगा, और साइटोलॉजिकल में हम सेल्स के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वायरल इन्फेक्शन के बाद उनको स्टडी करेंगे. तो हिस्टोलॉजिकल सिम्टम्स में हमारे पास हाइपोप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, नेक्रोसिस जैसी कंडीशंस आ जाती हैं. जो हाइपोप्लेसिया, उसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं, वो रिड्यूस ग्रोथ होती है उनकी, ठीक है, प्रॉपरली वो उनके बेसिकली ना टिश्यूज जो हैं वो सेल से बनते हैं, ठीक है. तो हाइपोप्लेसिया के केस में क्या होता है, सेल्स प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाते ताकि जो ऑर्गन है या प्लांट पार्ट है वो अपना नॉर्मल साइज अचीव कर सके, इसीलिए वो छोटा होता है. या फिर सेल्स जो हैं वो उनका जो नॉर्मल साइज होता है वो अपने नॉर्मल साइज से रिड्यूस होते हैं, इसीलिए छोटे छोटे सेल्स ओवरऑल भी जो है ना एक स्टंटेड लुक देते हैं. अब हमारे पास मस्टर्ड प्लांट में पेरोनोस्पोरा ब्रैसिकाए की वजह से सप्रेस्ड फ्लोरल बर्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये एक एग्जांपल आ जाती है इस डवॉर्फिज्म की. देन हमारे पास ग्राउंड नट रोजेट्स एक वायरल डिजीज़ का सिम्टम है, उसमें भी क्या होता है कि इंटरनोड्स प्रॉपरली इलोंगेट नहीं कर पाते, और जो हमारे पास फोलिएज है, जो लीव्स हैं वो ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो एक रोजेट अपीयरेंस देते हैं. हाइपोप्लेसिया के नतीजे में जो प्लांट्स या प्लांट पार्ट्स होते हैं वो सब नॉर्मल साइज के होते हैं ऑब्वियसली, और इसी के लिए एक टर्म एट्रोफी भी यूज़ की जाती है, जिसमें हम यही कहते हैं कि प्लांट सेल्स का साइज जो है ना वो रिड्यूस्ड है, जिसकी वजह से ओवरऑल प्लांट स्टंटेड है, ये प्लांट पार्ट्स स्टंटेड है. अब हाइपोप्लेसिया को इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं दैट अंडर डेवलपमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गन्स. किस वजह से अंडर डेवलपमेंट है, ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ स्मॉलर देन नॉर्मल सेल्स, यानी जो नॉर्मल सेल्स होने चाहिए थे उनका साइज नॉर्मल से कम है, इस वजह से अंडर डेवलपमेंट हुई है प्लांट की या प्लांट पार्ट्स की. तो ये हमारे पास हाइपोप्लेसिया एक इंटरनल सिम्टम आ जाता है. नेक्स्ट हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया में हम क्या कहते हैं, ये जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनमें जो टिश्यूज फॉर्म हुए हैं वो इस तरह से हुए हैं कि टिश्यूज सेल्स से बने, जैसे कि अभी हमने कहा था, तो वो सेल्स जो हैं वो एक्सेसिवली ग्रो कर गए या डिवाइड कर गए, ठीक है, और उस कंडीशन में अब जो प्लांट पार्ट्स हैं वो नॉर्मल साइज से बड़े हैं, तो एक तरह से उसका रिवर्स हो गया हाइपरप्लेसिया का. कॉर्न और स्मट में ऐसा देखने को मिलता है वायरल इन्फेक्शन के बाद, और हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, ऑर्गन्स की ओवर ग्रोथ हो जाती है. और कॉर्न गॉल्स विच इज़ ब्रूम्स ऑफ चेरीज इसके एग्जांपल में आते हैं. और कौन से पार्ट्स हमारे पास ओवर ग्रो कर जाते हैं, लाइक लीव्स, फ्रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स. अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि जो इनलार्जमेंट ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स हैं उनमें कैसी कंडीशन होती है, कि लीव्स जो है ना वो एक एरिया पे तो ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं और दूसरे एरिया पे ग्रोथ रेट डिफरेंट होता है, स्लो होता है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है बेसिकली, ठीक है. तो अब एक जगह पे जहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हुई होगी उस तरफ ऑटोमेटिकली लीव कर्ल कर जाएगा, ठीक है, और इस तरह से हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं वो कुछ ओवर ग्रो कर जाएंगे, और लीव्स में जो ओवर ग्रोथ होगी एक साइड पर उसकी वजह से कर्लिंग हो जाएगी. लीव कर्ल ऑफ पपाया इसकी एग्जाम्पल आ जाती है, जो कि पपाया लीव कर्ल वायरस या फिर बिगोमो वायरस की वजह से कॉज होती है. इसके अलावा पकरिंग और क्रिंकलिंग ऑफ लीव्स जो है ना वो भी वेरिएशन इन ग्रोथ रेट की वजह से होती है, ठीक है, डिफरेंस इन ग्रोथ रेट की वजह से होती है, और इस कंडीशन को सवाइंग भी कहा जाता है.
देन कम्स एनलार्जमेंट ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स. तो इसमें हम क्या कहते हैं कि एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल इन स्टेम्स की वजह से क्या होता है, स्वेलिंग कॉज होती है. अब जो हमारे पास स्टेम्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा फूड आके एक्यूमुलेट हो गया, तो कैसी अपीयरेंस शो होगी, स्वेलिंग की अपीयरेंस शो होगी कि वो स्वेल कर गई हैं स्टेम्स. और इस कंडीशन को क्या नाम दिया जाता है, सरकॉडी. और अगर हमारे पास एक इंटायर ऑर्गन की स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, एक ऑर्गन है हमारे पास लाइक फ्रूट वगैरह, बल्कि यहाँ पे हम स्पेसिफिकली स्टेम और रूट्स की बात कर रहे हैं, तो हम स्टेम्स और रूट्स पे ही फोकस करेंगे कि उसमें किसी पार्ट में स्वेलिंग हो गई है. ठीक है, जैसे कि स्टेम की किसी ब्रांच में स्वेलिंग हो गई है, तो इस तरह की स्वेलिंग को ट्यूमिफेक्शन कहा जाता है. गॉल्स अपीयर कर जाना, क्लब्स या नॉट्स का फॉर्म हो जाना. देन हमारे पास एडवेंटिशियस ऑर्गन्स, जैसे कि हमारी रूट्स में एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, या इसी तरह जो एडवेंटिशियस ऑर्गन्स होते हैं उनमें अगर एक्सेसिव डेवलपमेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, फेसिक्यूलेशन. ऐसा क्यों होता है कि मुख्तलिफ ऑर्गन से ही फोकल पॉइंट पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को फेसिक्यूलेशन कहा जाता है. अभी भी जो अपीयरेंस होगी वो विच इज़ ब्रूम या हेयरी रूट्स जैसी होगी, क्योंकि क्या होगी, क्लम्पिंग या क्लस्टरिंग होगी डिफरेंट ऑर्गन्स की. देन हमारे पास एक कंडीशन आती है कि हम कहते हैं कि जब स्टेम ब्रॉड या फ्लैट हो जाए, तो उसे हम फेसिएशन कहते हैं. ठीक है, उसे भी हम फेसिएशन कहते हैं. और एक ऑर्गन जो है अपना नॉर्मल साइज अचीव करने के बाद जो फर्दर ग्रो करता है, उसके लिए टर्म प्रोलिफरेशन यूज़ की जाती है. तो स्टेम्स और रूट्स में जो थोड़ी थोड़ी डिफरेंस की बेस पे स्वेलिंग्स या एनलार्जमेंट्स होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया गया है. और लास्टली हम कहते हैं कि अगर एक टिश्यू जो है वो वाउंडेड, उसमें कोई ज़ख्म हो जाए, तो उसके नतीजे में ऊपर एक ओवर ग्रोथ बनती है, एनलार्जमेंट होती है, उस टिशू को कैलस कहा जाता है. ठीक है, आउट ग्रोथ ऑफ टिशू इन रिस्पॉन्स ऑफ वाउंड. तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एनलार्जमेंट्स थी जो कि स्टेम्स के रूट्स में देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेक्रोसिस. तो नेक्रोसिस यहाँ पे इंटरनली देखने को मिल रही है, स्पेशली फ्लोएम के सीव एलिमेंट्स के अंदर. जो वो क्या हो रहा है कि या तो केलोज बहुत ज़्यादा आके डिपॉजिट होना शुरू हो गया, या फिर हमारे पास क्या हो रहा है कि जाइलम एलिमेंट्स में टाइलोसिस बनने शुरू हो गए. ये क्या करेंगे, ये वायरल इन्फेक्शन के नतीजे में इस तरह की फॉर्मेशंस जो जाइलम और फ्लोएम में जो वेस्कुलर बंडल्स का काम था कि वो मूवमेंट ऑफ फूड एंड आयंस और मिनरल्स करें, वो डिसरप्ट होगा इससे. और या फिर टाइलोसिस के साथ साथ एंडोसेलुलर कॉर्डॉन्स भी बन सकते हैं जाइलम के अंदर. नेक्स्ट हमारे पास साइटोलॉजिकल सिम्टम्स आ जाता है. अब हम विद इन द सेल देखेंगे कि वायरल इन्फेक्शन से क्या चेंजेस वाक़ होते हैं. तो कहा जाता है कि इंट्रासेलुलर इंक्लूजन बॉडीज़ फॉर्म होती हैं वायरस इन्फेक्शन के नतीजे में, जो क्रिस्टलाइन शेप की भी हो सकती हैं और अमीबा लाइक अमॉर्फस बॉडीज़ भी हो सकती हैं. अमीबा लाइक अमॉर्फस बॉडीज़ को एक्स बॉडीज़ भी कहा जाता है, और इनकी एग्जैक्ट नेचर तो अभी नोन नहीं है, लेकिन ये बॉडीज जो हैं ज़्यादातर एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स और स्टेम्स में देखने को मिलती हैं. इसके अलावा रूट्स फ्लावर्स में भी होती हैं, और फ्लोएम सीव एलिमेंट्स में ये अब तक नहीं देखने को मिली. और ये जो हमारे पास प्लांट्स इन्फेक्ट होते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस या टोबैको रिंग स्पॉट वायरस वगैरह से या पोटैटो वायरस वगैरह से, उनके अंदर जो है ना इस तरह के जो इंक्लूजन बॉडीज हमें देखने को मिली हैं जब हमने उनकी साइटोलॉजिकल स्टडी की. तो और लास्ट हमारे पास एक इफेक्ट आ जाता है सिम्टम्स से रेलेवेंट ही, कि जब हमारे पास एक वायरस से ज़्यादा वायरसेस एक ही प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और ओवरऑल सिम्टम्स जो हमें उसके ऊपर अपीयर होते हैं, तो उस तरह के सिम्टम्स को साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है. जैसे कि पोटैटो वायरस एक्स और पोटैटो वायरस वाई मिल के पोटैटो के अंदर क्या कॉज करते हैं, रगोज मोज़ेक ऑफ पोटैटो, ये डिजीज़ कॉज करते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन कॉज करते हैं. तो ये क्या होता है, कम्बाइंड इफेक्ट होता है मोर देन वन वायरस का. तो इस तरह के वायरल इफेक्ट को या इन्फेक्शन को साइनर्जिस्टिक इफेक्ट कहा जाता है. होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द सिम्टम्स वेरी वेल. स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड.